हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स रेडिएशन। हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 4.1। तो एक्सरसाइज बहुत ही सिंपल है। क्या लिखा है कि इवेल्यूएट द डिटरमिनेंट इन एग्जांपल 1 एंड 2। तो देख लो, पहले ही यहाँ पे डिटरमिनेंट हमको दिया है ए, जो कि 2x2 का है। तो 2x2 का डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करते हैं? ये डायगोनल के एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन और दोनों का सब्ट्रैक्शन करना है। तो 2 × -1 मतलब -2, −5 × 4 दैट इज −20। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब −2 + 20 दैट इज गोइंग टू बी +18। दिस इज द डिटरमिनेंट ऑफ ए। ओके, तो सेकेंड क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे डिटरमिनेंट में गिवन है 2x2 का x² − x + 1, x − 1, x + 1, x + 1। अब आप इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये ऐसा मिलेगा, माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ऐसा मिलेगा। यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करते ही हमें x² × x दैट इज x³ + −x² × x दैट इज +x² − x दैट इज −x² − x² − 1 दैट इज −x, 1 × x + x, 1 × 1 + 1। माइनस करके ये यहाँ पे फॉर्मूला लगेगी a − b a + b। तो इसका आंसर हमें मिलता है a² − b²। तो उसके हिसाब से यहाँ पे x² − 1 मिलता है, तो माइनस आगे। तो ऐसे करके फाइनली यहाँ पे अगर ये ब्रैकेट ओपन करें तो ये −x² + 1 हो जाता है। तो x² कैंसिल, −x + x कैंसिल, ये x³, फिर ये x² आया है यहाँ से, और ये +1 + 1 करके +2। दिस इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि इफ ए इज इक्वल टू 1, 2, 4, 3। देखो यहाँ पे ये जो दिया गया है, आप ध्यान से ऑब्जर्व करो इसको और इसको और इसको। तो ये क्या है? दिस इज नॉट डिटरमिनेंट, दिस इज मैट्रिक्स। डिटरमिनेंट कब होगा? जब ऐसे फॉर्म में लिखेंगे तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझ लेगी। शो दैट 2a, मतलब कि डिटरमिनेंट ऑफ 2a इज इक्वल टू 4 times द डिटरमिनेंट ऑफ a। तो पहले डिटरमिनेंट ऑफ a निकाल देते हैं। तो डिटरमिनेंट ऑफ a क्या हो जाएगा? 2 × 1 = 2 − 2 × 4 = 8 दैट इज −6। अब हमें क्या करना है कि देखो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है कि 2a का डिटरमिनेंट है। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड में पहले 2a फाइंड कर लेते हैं। 2a है मतलब कि मैट्रिक्स a को 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखो ये मैट्रिक्स ए है, उसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे ऐसा कुछ मैट्रिक्स मिला जहाँ पे 2, 2 × 4, 4 × 8, 2 × 4। अब इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, मतलब इसका डिटरमिनेंट मतलब कि ये 2 × 4 = 8 − 8 × 4 = 32 दैट इज −24। और राइट हैंड साइड देखो यहाँ पे है कि राइट हैंड साइड में क्या है कि 4 times द डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या मिला था हमें? −6। तो 4 times −6 करने से −24। इन दोनों को देख के आप लिख सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि इफ ए इज इक्वल टू करके ये मैट्रिक्स है जो कि 3x3 का है। तो सेम उसके लिए आपको जो आगे किया था वही प्रोसेस यहाँ पे प्रूव करनी है कि डिटरमिनेंट ऑफ 3a इज इक्वल टू 27 times द डिटरमिनेंट ऑफ a। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, डिटरमिनेंट ऑफ a निकाल देता हूँ। देखो डिटरमिनेंट ऑफ a कैसे निकालते हैं वो आपको पता है। यहाँ पे क्या है कि पहले ये एलिमेंट 1 लिखना होता है, फिर ये रो और ये कॉलम को इग्नोर करके जो मैट्रिक्स मिलता है वो यहाँ पे लिखेंगे। ये ऐसे लिखना नहीं होता है, आप डायरेक्टली कर सकते हो, बट मैंने यहाँ पे फर्स्ट टाइम है तो सिर्फ समझाया है। फिर यहाँ पे तीनों की साइन जो है वो आपको पता है कि −1 to the power i + j के हिसाब से साइन लगती है। तो फर्स्ट टर्म में ये 1 1 होता है, तो मतलब 1 + 1 = 2 हो जाता है, तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन आएगी। सेकेंड में 2 1 1 2 होता है, तो −1 to the power 1 + 2 मतलब −1 to the power 1 + 2 दैट इज −1 to the power 3, मतलब ये नेगेटिव आएगी ये पॉजिटिव आएगी। तो उसके हिसाब से देखो ये 1 पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। यहाँ पे ये मैट्रिक्स कैसे लिखा आपको पता है कि 0 जो भी कॉलम और रो में है उसको इग्नोर करनी है। तो फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम इग्नोर करेंगे तो 0 0 2 4 मिलेगा, तो 0 0 2 4। वैसे यहाँ पे ये 1 जो है वो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में है तो उसको इग्नोर करेंगे तो 0 0 1 0, तो 0 0 1 0 मिला हमें।
तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये कुछ हमें डिटरमिनेंट मिल जाता है इसका 4। अब लेफ्ट हैंड साइड में है कि 3A का हमें डिटरमिनेंट निकालना है, तो 3A, तो पहले ये जो मैट्रिक्स है उसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, मतलब ये कुछ मैट्रिक्स ऐसा मिल गया। अब उसका डिटरमिनेंट निकाल लेंगे, मतलब इसको देखो ये मैट्रिक्स के फॉर्म में है और यहाँ मैंने उसको डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखा है और उसका डिटरमिनेंट निकाला मैंने यहाँ, तो वो कुछ मुझे ऐसा मिल रहा है 108, जो कि आप देख सकते हो कैसा निकाला है। राइट हैंड साइड पे क्या है, 27 टाइम्स डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो 27 टाइम डिटरमिनेंट ऑफ ए हमें कितना मिला था, 4, तो वो यहाँ पे लगा है 27 टाइम्स 4, दैट इज इक्वल टू 108, तो ये दोनों सेम आए 108, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इवेल्यूएट द डिटरमिनेंट ऑफ ए, इसका डिटरमिनेंट निकालना है तो बहुत ही सिंपल है कि 2 को आगे लगा दो, फिर ये मैट्रिक्स यहाँ पे बनेगा, माइनस की साइन रहेगी क्योंकि ये पॉजिटिव रहता है या नेगेटिव, और ये पॉजिटिव कैसे आया वो पता है आपको, -1 to the power i + j करके, तो -1 यहाँ पे 0 3 -1 0 0 3 -1 0 -2 करके ये मैट्रिक्स लगाया है, इसको हमने सॉल्व किया तो डिटरमिनेंट की वैल्यू हमें 5 मिली है। थैंक यू। तो गाइज थैंक यू।